For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. आप जो ये बोर्ड देख रहे हैं, इसका नाम किंग्स रिंग है, जी लिडल में वाक़ा है। जो सैलाब आया था 2014 में, तब से यही इसी ज़मीन पे वाक़ा है। हमने इसको शिफ्ट करके पानी से निकाल के यहाँ पे रखा। बदकिस्मती की ये बात है कि गवर्नमेंट हमें कंस्ट्रक्शन रिकन्स्ट्रक्शन के लिए परमिशन नहीं दे रही है, और जिसकी वजह से हम इसको मजबूर हो गए पानी से इस ज़मीन पे लाने के लिए। अगर इसी तरह का सिलसिला चलता रहा, जो भी हमें इस वक्त मुश्किलात आ रहे हैं, जैसे बोट्स आजकल आप देख रहे हैं, करीबन हमारे डल लेक में 9 बोट्स डूब गए हैं। इसकी बेसिक वजह है, इस एक तो फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल रहा है, और दूसरी ये वजह है कि बैन है, कंप्लीट बैन है कि आप रिपेयर नहीं कर सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। इसको हमको रिपेयरिंग करना है, अब हमको पैसा भी नहीं है। कम से कम 1.25 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया लगता है बोट का रिपेयरिंग का। हमारा उतना गुजारा नहीं है, 2 साल हुआ बैठ कर। किसी के पास गए थे टूरिस्ट एसोसिएशन के पास गया, बोला हम क्या करेगा इधर। अब हमने अपने पास रखा जो रिन्यू का पैसा था, 5-5 हज़ार रुपया है। जितना भी बोट डूब गया उतना ही मदद करता है। हम नहीं, गवर्नमेंट के पास लिया, दरखास्त दिया, उधर कुछ बात ही नहीं बनता है हमारा। दूसरा बर्फ अगर पड़ जाएगा या डूबेगा या नहीं उठेगा, अभी हमको कुछ अगर कोई मदद कर सकता है करो। छोटा छोटा बच्चा है, कम से कम 25 बच्चा, 4 फैमिली इस घर के ऊपर चलता है, 4 भाई का बोट है ये, कोई हमारा सुनता ही नहीं। कोरोना से वजह भी बिजनेस हो गया खत्म, जो 370 हटाया उससे भी खत्म हो गया। हम 2 साल हो गया हमको बैठ कर, ना शिकारे का काम है ना हाउस बोटों का काम है। लेकिन सरकार ने तो सरकार ने 3-3 हज़ार रुपया खाली बैंक में डाला, उसको क्या हो जाएगा, उससे क्या गुजारा हो जाएगा। यहाँ पे रजिस्टर्ड हाउस बोट जो विद डिपार्टमेंट टूरिज्म है, 910 हाउस बोट्स रजिस्टर्ड है, और इन तमाम के तमाम हाउस बोट जो है, जो एग्जिस्ट हो रहे हैं, इनको मरम्मत करने की, रिपेयर करने की कोई भी इजाजत नहीं है। जो यहाँ पर हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ, हम गए हैं केरला, और हमने वहाँ पर बायोडाइजेस्टर्स देखे हैं, वहाँ के हाउस बोटों में लगे हुए थे जो कि मैकेनाइज्ड है, और हम ये बायोडाइजेस्टर जब लगाएंगे हाउस बोट के, इनका पोल्यूशन खत्म होता है, फिर ये डल में नहीं जाता इनका पोल्यूशन। एज़ पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ एक्सपर्ट कमेटी, ये सरकार ये लगाएंगी ये बायोडाइजेस्टर्स हाउस बोटों में, और ये विद इन 3 मंथ्स ये काम होना चाहिए। मगर हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इसके लिए बजट भी रखा है, आज तक सिर्फ 6 हाउस बोटों में लगा है। हम चाहते हैं हर एक हाउस बोट पे बायोडाइजेस्टर लगे, ताकि डाल में कोई भी पोल्यूशन नहीं जाए। तो जब आप बड़े बड़े होटल्स, 5-स्टार होटल्स बनाते हैं ग्रीन जोन्स में, या बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाते हैं ब्यूरोक्रेट्स की, अफसर शाहों की और नौकर शाहों की, तब आपको एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं आता। और जब यही एक मुतवस्त तबका भी नहीं, बल्कि जो बहुत ही निचले सतह का जो तबका है, जो बिल्कुल सिर्फ सियाहत पर ही उनके रोज़गार का इन्हिसार है, जब आप उनको भी इस तरह निकालेंगे या इस तरह उनको परेशान करेंगे, तो ज़ाहिर है उनकी रोटी रोज़ी पे आप जो है वार कर रहे हैं।